हेलो फैमिली, आप सबका स्वागत है डीके वंदना जायसवाल के ब्लॉग्स पे। तो सबसे पहले आप सब कैसे हो? आज हम लोग बिल्कुल थक गए हैं फैमिली, क्या बताएं। देखिए पीछे वंदना जी अभी भी काम कर रही हैं, रात के बज गए हैं पौने 9। पौने 9 हो गए बेटा, आप घड़ी देख लो। अरे हमको सही से दिखने वो देखने नहीं आता उसको बोल रही। तो आज हम लोगों की एकदम हालत खराब है क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और हम लोग व्रत भी हैं, तो इसके वजह से हम लोग बिल्कुल थक गए। आज हमारा बेड भी आ गया और यहाँ पे देखिए अभी भी वंदना जी काम कर रही है और सोनाक्षी यहाँ पे लेटी हुई है और ऋषभ यहाँ पे है कि बनाना खा रहा है। ईट पे क्या खाओगे? ईट ईट मतलब खादा, मैं सोचा ईद कह रही है। तो अमित किट्टो अभी तक आए नहीं है, वो लोग कहीं एंजॉय कर रहे हैं और हम लोगों को यहाँ बहुत काम करना पड़ा। पहले बाथरूम का हमारा तोड़ फोड़ हुआ, वो ठीक हुआ, उसके बाद हमारा बेड हुआ, तो हमारा समझ लो एक प्रकार से दिवाली की हमारे रूम की सफाई हो गई है। तार नहीं हुआ और क्या? हाँ बस ऊपर का नहीं हुआ, थोड़ा बैग रह गया, तो बाकी नीचे का एकदम पूरा साफ सफाई हो गया। एक प्रकार समझिए हमारी दिवाली की सफाई हो गई और हमारा पूरा मेहनत लग गया उसमें। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, वंदना जी अभी भी लगी हुई है, बहुत काम कर रही, बहुत मेहनत कर रही है। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए इतना कपड़े इधर टांगे, मेरा घर ऐसा लग रहा है धोबी घाट बन गया है। ये देखिए इतने कपड़े इधर डाले हुए हैं, हाँ, और डारा भी टूट गया, हमारा बेड चढ़ रहा था जिसके चक्कर में। और ये देखिए इतने कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, इतने कपड़े यहाँ सूख हो रहे हैं। आज तो एकदम हालत अच्छी सी खराब होने वाली है। तो करो ना ऐसा काम, बीमारी थक नहीं जाते, लेकिन खाना कहाँ बना पा रहे, काम के आगे खाना। वैसे भी आज जो है फर्स्ट नवरात्र और फास्ट है हम लोगों का, तो हम लोग बस फल फ्रूट खा रहे हैं। हम तो अभी नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, चाय पिए हैं बस और आलू। तो आज हम लोग इतना काम कर लिए, वैसे भूख प्यास लग गया है। तो अब ऋषभ को सोनाक्षी को ले जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर घुमा देता हूँ, ये लोग घर में उब गए हैं। चलो ऋषभ घूमने, तो इन लोगों का थोड़ा मन बहल जाएगा, बेचारे दिन भर रूम में पड़े रहते हैं। व्रत के लिए रबड़ी वगैरह लेना, मेरी हिम्मत नहीं है, वही आलू ही खा लेंगे। रबड़ी खाओगी? रबड़ी व्रत में जो कुछ मिलेगा। चलो ठीक, ये रबड़ी क्या होता है? रबड़ी तो हमारे साथ बने रहिए फैमिली, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने और वंदना जी घर पे रहेंगे, बस ऋषभ सोनाक्षी को लेके जा रहे हैं और कुछ सामान लेना है, तो जुड़े रहिए आगे दिखाएंगे आप लोगों को। देखो फैमिली ऋषभ आगे खड़ा हो गया है, सोनाक्षी पीछे बैठी और हम लोग बस निकलने वाले हैं, चलिए बने रहिए। देख सकते हैं आप सब, हम लोग निकल गए और पापा चढ़ा रहे थे, निकल गए हैं। कहाँ जा रहे पापा? बताए हैं ना हम, देख सकते हैं, जुड़े रहिए ब्लॉग पे आगे। तो फैमिली हम आ गए अग्रवाल स्वीट्स पे और ये देखिए सोनाक्षी पहले जाके खड़ी हो गई है और ये सब यहाँ बैठा हुआ है, इनसे पूछ रहे क्या खाएंगे, चलो कह रहे दुकान पे चलो बताएंगे। सोनाक्षी कह रहे चाउमीन खाएंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अग्रवाल की मिठाई और ये रसमलाई और हम रबड़ी पैक करा रहे हैं, ये देखो छीने, हाँ इधर भी लगे हुए हैं। और ये सोनाक्षी खा रही है, इधर आओ इधर आओ, चलो इधर खाओ। सोनाक्षी रसमलाई खा रही है, कहाँ भाग रही हो, चलो रुक जाओ। तो ये देखो सोनाक्षी ऋषभ को खिला रही है, और खिला दो ऋषभ को। नहीं मैं व्रत हूँ ना, खा लो। सोनाक्षी रस मलाई खा ली, अब बोल रही है हमें चाउमीन खाना, ये देखें चाउमीन बन रहा है, भाई सब बना रहे हैं। और ऋषभ देखो अपना चिप्स लेके घूम रहा है, क्या ऋषभ क्या खाओगे, चले दीदी का चाउमीन ले लें। सोनाक्षी चाउमीन खाई क्योंकि आज घर पे कुछ बनेगा नहीं, तो चाउमीन ही खाएगी। तो सोनाक्षी का चाउमीन पैक हो रहा है, वो घर पे खाएगी, यहाँ खाती बहुत टाइम लगाती, तो हम बोले पैक करा देते हैं घर पे खाएगी, तो पैक हो गया है हमारा। सोनाक्षी कह रही पैसा दिए, बिना पैसा का कुछ मिलता है क्या? पैसा दिए थे बेटा, उन्होंने टोकन दिया था, यहाँ टोकन मिलता है, टोकन से मिलता है। तो हमने सब सामान ले लिया, अब हम चलते हैं घर की ओर, इनकी मम्मी इंतजार कर रही होगी, चलो जुड़े रहिए हमसे।
फैमिली हम जा रहे थे और सोनाक्षी बोली कि हमें जूस पीना है, ऋषभ भी बोला हमें जूस पीना है, बनाना का कह रहा बनाना का जूस पीना है, और सोनाक्षी और मैंने गन्ने का जूस पिया है, साफ सुथरा मैंने बोल के ही मैं सबको, और ये लोग बनाना का जूस पियेंगे और मैंने गन्ने का जूस पी लिया है। तो ये देखिए इनका बनाना का जूस लग गया है और ये मौसमी है, ये देखो कैसे भी हो गए, वो दे दो चिप्स हमें दे दो, ये सबको देखो पी लो, गिर जा ऐसे नहीं, थोड़ा सीधा करो। हाँ तो ये देखिए मैंगो का है, मौसमी भी है, बनाना भी है, और ये देखो पी रहा है। तो फैमिली हम लोग घर में आ गए हैं और ये देखिए अभी भी वंदना जी लगी हुई, हो गया जी खाली हो गए, चलो हम भी नहा लिए, अब भी नहा के फ्रेश हो जाओ फिर। ये देखिए एकदम चमका दिया है गम्भीर, तो फाइनली ये खाली हो गई है, खाली हो गई अभी और कुछ रह गया है, चलो फ्रेश होके आओ फिर। तो ये देखिए अमित किट्टू का भी रूम चमक रहा है एकदम, बस इसमें बिछा नहीं हुआ है चद्दर, बाकी ये देख सकते हैं आप फर्श वर्श देखिए एकदम चमक रहा है सब, ये सब तो कूड़ा देने वाला है, हाँ ये सब तो कूड़ा दिया जाएगा, बाकी यहाँ फल फ्रूट रखा हुआ है खाने के लिए। ये देखिए हमने जो चिप्स भी ले आया हूँ नवरात्र वाला, रबड़ी बोली थी रबड़ी ले आया हूँ, और क्या खाओगे, बस व्रत में और क्या खाता है, यही खाना है, फल फ्रूट खाओ, रबड़ी खाओ, ये चिप्स खाओ। चलो जुड़े रहिए अब फिर दिखाते आप लोगों को, काम फैमिली देखिए आज हम रबड़ी लाया हूँ, वंदना जी खा रही है, मैं भी खा रहा हूँ, आलू तले रहे हैं, भाभी का कपड़ा, भाभी का फोन आ गया, ये देखिए भाभी से बात कर रही है, एकदम भाभी से बात कर रही है, फिर खाते आप लोगों को, छुटे रहिएगा हमसे, हम भी खा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तो फैमिली सबका कमेंट आ रहा था, गणेश जी जो हैं और लक्ष्मी जो है, गणेश जी की माता हैं लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी जो हैं हमेशा गणेश जी की दाहिनी रहती हैं, तो हम लोगों को नहीं पता था, हमने तुरंत इस बात पे गौर किया, और यहाँ पे हम आप लोगों को कि गणेश जी को, गणेश जी की बाईं तरफ यानी दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी को हमने विराजमान कर दिया है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने माता लक्ष्मी को गणेश जी के दाहिनी तरफ, तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये वंदना जी पूजा कर रही हैं, ये देखिए ये पूजा कर चुकी हैं, और यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ, माता लक्ष्मी हमेशा गणेश जी की दाहिनी तरफ रहती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं गणेश जी की माता हैं, तो हमेशा दाहिनी तरफ रहती हैं। और इधर देखिए बाकी सब जितने भगवान के फोटो लगे हुए हैं, पत्नियाँ जो होती हैं लेफ्ट की तरफ होती हैं, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए भोलेनाथ, पार्वती जी, विष्णु जी, राधा जी, तो चलिए बने रहिए आगे दिखाएंगे आप लोगों को। तो फैमिली मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, और वंदना नाश्ता बना रही है, बना के आ रही हैं, बस बनने ही वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद मुझे टिफिन में देंगी, मैं लेके निकल जाऊँगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, पूजा वूजा कर ली है, नहा धो के अपना किचन में लग गई हैं। तो यहाँ पे देखिए मैडम ने पूजा पाठ करके और किचन में लग गई हैं, ये देखिए प्याज लाल हो रहा है, पनीर काट रही हैं, क्या बना रही हूँ, पनीर का, पनीर की भुजिया बनाएंगे, पराठा खाएंगे पराठा बना देंगे, रोटी खाएंगे तो रोटी बना देंगे, जो भी खाना है बता दीजिएगा, जो जो आपको पसंद हो वही बना देंगे, रोटी अच्छा लगता है जी। चलो इसको छौंक लेते हैं फिर उसके बाद रोटी बना देना, ठीक है, रोटी अच्छा लगता है खाने में, हम लोग भी आपको भी दे देंगे टिफिन, और हम लोग के लिए भी हो जाएगा, अभी सब सो रहा है, सोकर उठेगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग से आटा सान लीजिए, अजवाइन वाला सानेंगे, उसको कचौड़ी खाएगा, क्योंकि बोला था मम्मी कल ही बोल रहा था, तो हम कल नहीं बनाए क्योंकि कल इतना बिजी थे, घर में इतना काम था, लेकिन आज उसको खिलाएंगे। अब तो नवरात्र चालू हो गया, जगह जगह भंडारे लगे रहेंगे, कल हम जहाँ गए थे ना अग्रवाल के यहाँ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारा शनिवार का भंडारा है, तो बोला कि हम लोग पानी उन्हें भर के रख लेते हैं, क्योंकि एक दिन पानी एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, तो तीन दिन भी नहीं आया पानी, तो अग्रवाल स्वीट वाले ने बोला कि हमारे यहाँ शनिवार को पार्टी था, हमें आर्डर बोला नहीं, यानी आपस में वो सब बात कर रहे थे कि हाँ कि अग्रवाल स्वीट है तो उनका बड़ा भंडारा होगा,
तो अपने हिसाब से व्यवस्था हो गया, क्योंकि अब नवरात्र चालू हो गया, सब लोग भंडारे करेंगे, तो हम जब बाहर निकलते हैं तो जगह जगह भंडारा लगता है, तो हमारे मजा आता है। नहीं, हमारे यहाँ हमारे घर के पास में जो चिराग दिल्ली है ना, वहाँ पे पूरे 9 दिन भंडारा चलता है और डेली बदल बदल के मिलता है वहाँ पे। हाँ, मिलता है। और क्या बोलते हैं, मुझे भी बहुत खाने का मन करता है, यहाँ मिलता है, हमारे बच्चे जाते हैं। और जानती है वहाँ पे भंडारा सुबह चालू हो जाता है 10-11 बजे, उसके बाद शाम तक चलता है 4-5 बजे तक। तो 9 दिन लोग, हाँ 9 दिन तक भंडारा, और बहुत बड़ा भंडारा चलता है। तो हम भी एक बार खाए थे, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है तो फिर हम इंतजार नहीं कर पाते, हमें काम भी करना रहता है। ये देखिए पनीर का भुजिया बना रही हैं, लाल कर रही हैं इसको। ये हरी एंड सन्स का मसाला डाल रही हैं, काफी अच्छा मसाला होता है। तो जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत कहीं, आगे दिखा। तो फैमिली, आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक करते हैं बाय बाय।